कर सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको नेचुरल ब्रीडिंग दिखाऊंगा रेहू मछली का। इतना दिन मैंने स्ट्रीफिंग तकनीक दिखाया था, जिससे आप जान पाए हैं किस तरह से कौन कौन मछली को स्ट्रीफिंग किया जाता है। स्ट्रीफिंग का मतलब है पेट में दबा के अंडा निकालना। तो ये पेट में दबा के अंडा निकालने का जो पूरा तकनीक है, मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। आज से मैं नेचुरल ब्रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। नेचुरल ब्रीडिंग कौन कौन मछली का होता है, किस तरह से किया जाता है, सब कुछ बताऊँगा। और सबसे पहले जो वीडियो बना रहा हूँ वो है रेहू मछली का नेचुरल ब्रीडिंग। रेहू मछली का नेचुरल ब्रीडिंग करने के लिए सबसे पहला काम है मछली को सिलेक्शन। मछली को तालाब से अच्छा अच्छा मछली को सिलेक्शन करके उठाना होता है। जो जो मछली का पेट में अंडा है और मेल भी अच्छा है, इस तरह का मछली को सिलेक्शन कर लिया जाता है। इसके बाद इस मछली को 5 से 6 घंटे के लिए कंडीशन प्रोसेस में रख दिया जाता है। इसके बाद का काम होता है डोज करना। डोज करने के लिए सबसे पहले हम मेडिसिन तैयार कर लेते हैं। इसके लिए पीजी या ओवरसीज ओबरपी में इस तरह का मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेडिसिन बनाने के बाद मछली को डोज देना। मछली को डोज देने के लिए मेल और फीमेल दोनों मछली को डोज देना होता है। रेहू मछली को डोज देने के लिए 2 डोज का ज़रूरत होता है, फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज। फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज देने के लिए दोनों डोज का अंतर जो है वो 6 घंटा का अंतर होना चाहिए। यानी फर्स्ट डोज देने के सिर्फ 6 घंटा बाद ही आपको सेकेंड डोज देना होगा। कई कई बार 6 से 8 घंटे के बीच का डोज का टाइम होता है। यानी अभी आप कभी भी प्रॉब्लम आगे आप 6 घंटा में सेकेंड डोज नहीं दे पाए और कुछ लेट से दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लगभग आपको 6 से 8 घंटे के बीचों बीच ही ये सेकेंड डोज दे देना होगा। फीमेल मछली को फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज दिया जाता है। मेल मछली को फर्स्ट डोज देने का कोई ज़रूरत ही नहीं होता है। मेल मछलियाँ एक ही डोज में काम कर जाती है। यानी आप जब फीमेल मछली को सेकेंड डोज दे रहे हैं, तभी मेल मछली को आप सेकेंड डोज दीजिएगा। जब मेल मछली का और फीमेल मछली का दोनों मछली का डोज कंप्लीट हो जाता है, तभी ये दोनों मछली को नेचुरल ब्रीडिंग कराने के लिए एक ही टैंक में छोड़ दिया जाता है। और उसी एक ही टैंक में ये मछलियाँ नेचुरली ब्रीड कर देती है, यानी अंडा देना स्टार्ट कर देती है। लेकिन यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था, नेचुरल ब्रीडिंग में कुछ खर्चा ज़्यादा होता है। पानी का खर्चा थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं आपको दिखाऊँगा किस तरह का खर्चा लगता है, आगे देख पाएंगे। लेकिन नेचुरल ब्रीडिंग में फ़ायदा भी काफ़ी है। स्टिफिंग में झमेला ज़्यादा होता है, यानी पेट में दबाओ, अंडा निकालो, कुछ अंडा वेस्टेज भी होता है, अंडा फर्टिलाइज कम भी होता है। लेकिन नेचुरल ब्रीडिंग में थोड़ा पानी का खर्चा होने के बावजूद भी ये नेचुरली ब्रीड करती है, तो इसमें फ़ायदा होता है कि आपको झंझट नहीं उठाना पड़ता है, क्योंकि ये नेचुरल ब्रीड कर रही है तो आपको स्टिफिंग करने का कोई ज़रूरत ही नहीं होता है। इस तरह से देखा जाए तो अंडा ख़राब नहीं होता है, अंडा बाहर गिरता नहीं है, इसीलिए नेचुरल ब्रीडिंग अच्छा होता है। और जो ये बिल्कुल ही नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, उनके पास स्टिफिंग करने का जो एक्सपीरियंस है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से वो नेचुरल ब्रीड कराना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसीलिए नेचुरल ब्रीडिंग जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। रेहू मछलियाँ कभी कभार एक ही डोज में अंडा दे देती है। ये कब होता है, जब फुल ब्रीडिंग का सीजन चल रहा होता है और मछली का पेट में पूरा अंडा रहता है, तो कभी कभी एक ही डोज में अंडा दे देती है। आमतौर पर एक डोज में अंडा नहीं देती है। इस मछली का ब्रीडिंग कराने का जो रेशियो है वो 1:1 है, यानी एक फीमेल मछली के लिए एक मेल मछली का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन नेचुरल ब्रीडिंग में ये इसमें थोड़ा चेंजेस करना होता है, क्योंकि मेल का खर्चा पानी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेल का जो स्पर्म है ये लगातार पानी के साथ बहता हुआ बाहर की तरफ निकल जाता है, जिसके वजह से टैंक में मेल का स्पर्म का जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसके लिए हमेशा कुछ मेल का संख्या बढ़ा के रखना होता है। यानी 10 फीमेल मछली को आप ले रहे हैं तो उसके लिए 2 मेल ज़्यादा, यानी 12 मेल को इस्तेमाल करें या टैंक में स्टॉकिंग करें, तो सबसे अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह जो प्रोसेस है वो इंजेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और ये जो टैंक देख रहे हैं, इसमें अभी मैंने मछली छोड़ा था, अभी मेल और फीमेल दोनों मछली को डोज देकर यहीं पे छोड़ दिया हूँ। यानी इस जगह में मैंने बताया था पानी का खर्चा थोड़ा ज़्यादा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा लगता है, साइड से पानी चल रहा है, ऊपर से पानी चल रहा है, और मछलियाँ जो है अंडा ब्रीड कर रही है और अंडा भी अच्छा खासा दे रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस, यहाँ पे मछलियाँ ब्रीड कर रही हैं। जब ये मछलियाँ ब्रीड करती है तो पानी के ऊपर की तरफ आ जाती है। देखिए पीठ जब उसका
ऊपरी भाग जब पानी के सतह के ऊपर चलने लगेगा तब आप समझ जाइए कि ये मछली को मछलियाँ जो है अंडा देने वाली है। ये एक मज़ेदार टिप्स है। आप अगर देखेंगे जब भी मछलियाँ इंजेक्शन के बाद ऊपर एकदम सतह के ऊपर तक आके घूम रही है तो समझ जाइए ये ब्रीड करेगी, तो हमें मेल मछली को डाल देना है। कई बार क्या होता है लोग मेल और फीमेल को अलग अलग रखते हैं, जब ब्रीडिंग का सही टाइम हो जाता है तभी डालते हैं, क्योंकि ये भी सही है एक तरह से देखा जाए तो मेल का बर्बादी कम होता है, क्योंकि ये मछली का जो ब्रीडिंग करने का पूरा समय 12 घंटा टोटली हो जाता है, तब एक घंटा आधा घंटा पहले अगर मेल मछली को डाल दिया जाता है तो मेल का वेस्टेज जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। इस तरह से देखा जाए तो ये टिप्स भी काफ़ी अच्छा है फर्टिलाइज अंडा को अच्छा फर्टिलाइज लाने के लिए और मेल का बर्बादी बचाने के लिए। यहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ऊपर से भी पानी चल रहा है, नीचे से भी पानी चल रहा है और साइड में जो टैंक है इसमें अंडा आ रहा है। ये जो एक कलेक्शन टैंक है यहाँ पे देखिए कितना मात्रा में पानी का जो खर्चा हो रहा है, और इसके अंदर जो पाइप लगा है वो लगभग 3 इंच का पाइप है। पूरा पाइप को हम खोल के रखते हैं क्योंकि ये पाइप को थोड़ा बंद करके रखेंगे या हल्का छोड़ेंगे तो ये इसका दबाव के वजह से अंडा फट जाता है, इसीलिए पानी को हमेशा खुला रखना होता है। तो आप समझ ही सकते हैं कितना ज़्यादा पानी का खर्चा होता है। यहाँ पे देखिए अंडा आ रहा है और अंडा को उठाया जाता है। देखिए यह नेचुरल ब्रीडिंग में क्या होता है, टैंक में अंडा घूमता रहता है और अंडा जो है टैंक में ही काफ़ी बड़ा हो जाता है इसका साइज, लेकिन स्टिफिंग में हाथ से घुमाना पड़ता है, ये एक झमेला है, बार बार वॉश करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, और नेचुरल ब्रीड में ऐसा कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं होता है। यहाँ पे अंडा जो है हो चुका है और काफ़ी सारा अंडा दे रहा है, निकल चुका है, और इसको आगे मैं जार में प्रोसेस करूँगा। और ये देखिए अंडा को उठाया जा रहा है, इस तरह से हल्का तकनीक से उठाया जाता है, ज़्यादा प्रेशर देने से अंडा फटने का जो खतरा है वो रहता है। यहाँ पे पानी के साथ अंडा को उठाया जाएगा जिसमें पानी भी काफ़ी रहेगा, बहुत ज़्यादा जोरों का प्रेशर इसमें नहीं देना चाहिए। ये अंडा प्रोसेस हो चुका है रेहू मछली का, अब इसको जार में डालेंगे, जार या फानेल। इसमें 24 घंटा का समय लगता है बच्चा को हैच होने में, लेकिन यहाँ पे पानी का फ्लो काफ़ी मैटर करता है, ज़्यादा मात्रा में पानी का फ्लो हो जाने से अंडा फट सकता है, कम होने से ऑक्सीजन की कमी के वजह से फर्टिलाइजेशन ख़राब हो सकता है, इस चीज़ को मेंटेन करना होता है। और इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, इतना फ्लो कितना देना है, किस तरह से देना है, आप मेरे चैनल पर जाएँ और देखें। कई बार वर्कर्स जो है वो लोग भी गलती करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कितना सारा अंडा जो है वो गिरा दिया है, और ये है वेस्टेज, वर्कर्स को हमेशा देखना पड़ता है, नहीं तो ये लोग बहुत ही मनमानी करते हैं, गलतियाँ कर देते हैं जिसके वजह से हेचरी मालिकों को काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है, तो हमेशा देख रेख करते रहना होता है। तो दोस्तों यही था रेहू मछली का नेचुरल ब्रीडिंग कराने का प्रोसेस जो मैंने अभी तक दिखाया। तो ये प्रोसेस अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।